स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बख्शी। आज की बख्शी है आपकी बख्शी नंबर 88A, हिंदी कार्य पत्रिका है आपकी कक्षा थर्ड की और दिनांक है 7 अक्टूबर। पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है टिप टिप वाई। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बख्शी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको पता है हमारे चैनल पर दो कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। पहला है लाइक शेयर कमेंट का, लाइक शेयर और कमेंट का, और दूसरा है आपका क्राफ्ट कंपटीशन। क्राफ्ट कंपटीशन हमारे दूसरे वाले चैनल पर चल रहा है जिसका नाम है लेट्स गाइड किड्स एक्टिविटी। इन दोनों में आप प्राइज विन कर सकते हैं। अगर आपका क्राफ्ट अच्छा हुआ, आपके व्यूज़ ज़्यादा हुए, आपके जो है लाइक्स ज़्यादा हुए, तो यहाँ पे आप गिफ्ट विन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे भी आप गिफ्ट विन कर सकते हैं लाइक शेयर कमेंट करके। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आपने पाठ टिप टिप का पढ़ा, मज़ेदार लगाना। अब आप जरा पाठ में दादी द्वारा कहे गए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। ना शेरवा का डर, ना बगवा का डर, डर तडर टिप टिपवा का डर। तो ये दादी ने ये लाइन कही है आपकी कहानी में कि ना तो शेर का डर है, ना बाघ का डर है, डर तो किसका है, टिप टिपवा का। टिप टिपवा बच्चों किसी का नाम नहीं है। टिप टिपवा क्या है, बारिश की जब बूंदें गिरती है ना, टिप टिप टिप, तो उसको कह यहाँ पे कहा गया है। दादी ने क्या कहा है उसको, टिप टिपवा। तो मतलब उनका ये कहना है कि ना तो हम शेर से डरते हैं, ना बाघ से डरते हैं, डरते तो किससे हैं, टिप टिपवा से। पाठ के आधार पाठ में बार बार टिप टिपवा शब्द आया है। क्या आप जानते हैं टिप टिपवा शब्द कोई अर्थ नहीं है। टिप टिपवा शब्द जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। यह तो बारिश के पानी की टपकने की आवाज़ है, टप टप। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है। मतलब जिनका अर्थ होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता है। अर्थ के आधार पर शब्द को दो तरह से, दो प्रकार से, शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहला आपका सार्थक हो गया, दूसरा निरर्थक हो गया। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ होता है, जैसे किताब, दीवार, बगीचा, शेर आदि। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और वे अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि खटर पटर। खटर का अर्थ होता है, पटर का कोई अर्थ थोड़ा ना होता है। पानी, पानी का अर्थ होता है, वानी का कोई अर्थ नहीं होता। रोटी, वोटी, रोटी का अर्थ होता है, बट वोटी का क्या अर्थ होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, निरर्थक शब्द। वाक्य में नीचे दिए गए निरर्थक शब्द को छांटिए और सामने दी गई खाली जगह पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर निरर्थक शब्द को छांटना है। आप चाय चाय पी कर जाना, चाय तो ठीक है, चाय क्या होता है, तो ये हो जाएगा निरर्थक शब्द। ये आप यहाँ पर लिख लोगे। आलतू फालतू मत बात मत किया करो। आलतू फालतू का तो मतलब बेकार होता है, आलतू क्या होता है, आलतू ये जाएगा निरर्थक शब्द। आगे चलते हैं। हमें खेलना वेलना नहीं है। खेलना तो चलो ठीक है, लेकिन वेलना क्या होता है, वेलना क्या हो जाएगा आपका निरर्थक शब्द। कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। बहाना तो पता है एक्सक्यूज, बट बहाना क्या होता है, बहाना यहाँ पे लिख दोगे आप निरर्थक शब्द की जगह। आइए बच्चों नीचे दिए गए उल्टे पुल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे बाशरी, ये इससे सार्थक शब्द क्या बनाया, बारिश। अब हम इससे बनाते हैं री प झो, इसके इससे क्या बनेगा, झोपड़ी। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों, झोपड़ी। मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ब्लैक से लिखती हूँ झोपड़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, रियाबू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संकेत शब्दों की मदद से सही ध्वनि शब्दों के चित्र के सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे संकेत शब्द दिए गए हैं, टन टन, छुक छुक और भिन भिन। यहाँ पे बताना है कि किसकी आवाज़ है ये। तो ये जो है ये क्या है, रेल है। तो कैसे चलती है, छुक छुक। और ये घंटी, घंटी कैसे बजती है, टन टन। तो यहाँ पर टन टन लिख देंगे आप। और ये मधुमक्खी है, मक्खी कैसे क्या करती है, भिन भिन, है ना। तो यहाँ पे भिन भिन लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि धोबी तालाब के किनारे क्यों गया था और वहाँ वह किसे गधा समझकर लाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, धोबी तालाब के किनारे, यहाँ पे क्या लिखोगे, अपने गधे को ढूंढने गया था। ठीक है, यहाँ तक एक आंसर हो जाएगा। और उसके बाद, और वहाँ से वह किसे गधा समझकर ले आया।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वहाँ से वह किसे की जगह क्या लिख दोगे, बाघ, बाघ को गधा समझकर लाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देख लेते हैं कि वाक्यों के लिए क्या सुझाव दिया गया है। बच्चों से पूछ सकते हैं कि यदि आपके घर में कुछ दिन पानी नहीं आता तो आपको और आपके परिवार के बाकी सदस्यों को कौन कौन से कार्य करने में परेशानी होगी। आज की डेट में देखा जाए हम हर एक काम पानी से ही करते हैं, पानी को हम पीते हैं, है ना, पानी से कपड़े धोते हैं, पानी से ही नहाते हैं, पानी से ही ब्रश करते हैं, हर चीज़ हम पानी से करते हैं। तो अगर पानी ना आए तो हमें बहुत ही परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।